नाहन पुलिस ने बिहार के रहने वाले एक शख्स को 8 साल बाद अपने परिवार से मिलवा दिया है। 8 साल पहले ये मुंबई से लापता हो गया था। डीएसपी हेडक्वार्टर मीनाक्षी ने बताया है कि नाहन में ये शख्स पुलिस को संदिग्ध हालत में मिला था। इसकी तस्वीरें अलग अलग राज्यों की पुलिस के साथ साझा की गई, जिसके बाद बिहार पुलिस के जरिए इस शख्स की पहचान हुई। वहां की पुलिस ने नाहन पुलिस के साथ संपर्क किया। पुलिस का भाई इसे लेने नाहन पहुंच गया। डीएसपी ने बताया कि पुलिस अभी तक ऐसे कई लोगों को अपने परिवारों से मिलवा चुकी है। उधर अपने बिछड़े भाई को नाहन लेने पहुंचे मनोज कुमार ने बताया कि 8 साल से वो अपने भाई की तलाश कर रहे थे। मुंबई में इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। उन्होंने नाहन पुलिस का आभार जताया और कहा कि नाहन पुलिस की बदौलत ही आज उनका भाई उन्हें वापस मिल पाया है। कुछ दिनों से यहाँ पे जो मानसिक तौर से अस्वस्थ लोग जो घूम रहे होते हैं, उनको जब भी पुलिस के संपर्क में आते हैं तो उनको यहाँ पे पुलिस थाना में लेके आते हैं और प्रयास करते हैं कि इनको इनके घर तक पहुँचाए। इससे पहले कुछ दिन पहले भी एक व्यक्ति को हमने उसके घर पहुँचाया था। इसी कड़ी में हमने 3-4 दिन पहले एक जो लड़का था यहाँ पे, जिसका नाम संतोष था और इसका नाम है संतोष है और इसकी उम्र 30 साल है, तो ये वैसे घूमता हुआ मिला था पुलिस को, तो इसको थाने में लेके आए थे। कुछ एक जो वेरिफिकेशन जब इससे बातचीत की, कुछ एक जानकारी हमको मिली, तो हमने वहाँ के स्थानीय जो पुलिस है उनसे संपर्क किया और वहाँ पे उनसे पूछा कि कोई मिसिंग आपके वहाँ पे कुछ तरह की मिसिंग तो नहीं है और इस तरह का आदमी जो यहाँ पे हैं, तो उनसे उन्होंने इनके परिवार से संपर्क किया और आज उसी संपर्क के उसमें आज इसका भाई यहाँ पे आया, जिसको इसने भी आइडेंटिफाई किया है अपने भाई को और उसने भी इसको आइडेंटिफाई किया और हमने गाँव से भी इसको आइडेंटिफाई करवाया है। तो ये संतोष कुमार का जो व्यक्ति है 2014 में, जिसके भाई ने हमें बताया 2014 में ये मुंबई से गुम हुआ था और 8 साल के बाद आज ये अपने घर जा रहा है, तो इसका भाई यहाँ पे इसको लेने आया हुआ है। 3-4 लोग पहले पहुँचाए हैं, अभी 5-7 दिन पहले भी किसी तरह के लड़के को हमने उसके घर पहुँचाया है।